बफे दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी ज़बरदस्त चिकन बिरयानी। ये है तवा कुना, बीफ कुना। मुझे बताया गया इनका जो ये है कुना है स्पेशली। ये है चिकन कढ़ाई, ये तो देखी नहीं थी। चिकन कढ़ाई लग रहा है। और ये जो है ना, ये जो आप चपली कबाब, बीफ चपली कबाब, ज़बरदस्त। ये भी आपको यहाँ पे खाने को पाक फूड पे मिलेगा। कीमा के साथ मैं हूँ इनके, थोड़ा सा और जो इनका कुन्ना गोश है वो भी लगा, ज़बरदस्त। मुझे मज़ा आया। दूसरी दफ़ा चीज़ बंदा जब भी लेता है जब उसको मज़ा आता है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से भाई, आज मैं आया हुआ हूँ पाक फूड रेस्टोरेंट। पाक फूड इन्होंने पहले जो है मोर ऑफ अ टेक आउट प्लेस था, मैं कभी यहाँ पे नहीं गया था, लेकिन अब जो है इन्होंने रिसेंटली जैक्सन पोर्ट में आया हुआ यहाँ पे उन्होंने रेस्टोरेंट खोला है यहाँ पे डाइन इन। मैंने कभी इनका फूड ट्राई नहीं किया, इनका हलवा पूरी वगैरह का काफ़ी आते रहते थे, ये लोग प्रमोट करते, लेकिन मेरा इत्तेफाक़ नहीं हुआ। आज इनका बफे है और आज जो है इनकी इनॉग्रेशन भी हो रही है पाक फूड में। और तो चलते हैं अंदर, दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पे मौजूद है। ये देखें, यहाँ पे ये है पूरा, ये है जैक्सन पोर्ट भाई। ये देखें, यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं, ये सारी पार्किंग है। और अच्छा, ये जो है किसके पास है, मैं आपको थोड़ा सा देखें, मैंडी डिजिटल जो है वहाँ पर, और इसके सामने ये ये मार्केट है, शुभम सुपरमार्केट। और ये यहाँ पे ये पूरा ये प्लाजा है, ये रख पार्कपुर, और अंदर चलते हैं। अच्छा भाई, ये देखें खूबसूरत, यहाँ पे जैसे ही एंटर होते हैं यहाँ पे ये जो है इन्होंने ये लगाया है। यहाँ पे आप जो है इनॉग्रेशन में यहाँ पे जलेबियाँ आई हैं। और ये देखें ज़बरदस्त, ये है पार्क फूड। और यहाँ पे सेटिंग है और दोनों तरफ सेटिंग है, ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे फास्ट फूड का जो है ना बफे दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी ज़बरदस्त चिकन बिरयानी। ये है तवा कुना, बीफ कुना। मुझे बताया गया इनका जो ये है कुना है स्पेशली, इसका बड़ा जो है यहाँ की स्पेशलिटी है। ये है तवा कुना बीफ, ये है कुना गोश। अच्छा, कुना गोश के बारे में मुझे बताया था। ये रहे ज़बरदस्त, दिखने में जो है ना सॉलिड लग रहा है कुना गोश, जो इनकी एक्चुअली स्पेशलिटी। और वो है बीफ का, बीफ का कुना। अच्छा, ये जो इनके चने वैसे ही लोग प्रमोट करते रहते हैं, उसमें भी हलवा पूरी के लिए भी यहाँ पे कुछ वो भी रखी हैं, सॉसेस रखी हैं। तो ये जो है ये चपली कबाब आ गए, चपली कबाब। और ये जो है ये है बस नान, सादा नान। और ये सैलड वगैरह यहाँ से, ये भाई ये है मेन्यू। अच्छा, ये देखें, ये है बीफ पुलाव, ये इनका बीफ पुलाव भी यहाँ पे आया है। और उसके अलावा मैं आपको ये देखें, ये सारा जो है ना बफे के आइटम्स रखे, मैं यहाँ पे नहीं गया था, मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता। ये है चिकन कढ़ाई, ये तो देखी नहीं थी। चिकन कढ़ाई है, उसके अलावा ये है चिकन टिक्का, चिकन टिक्का गरम गरम। और उसके अलावा ये है भाई गुलाब जामुन, ज़बरदस्त भाई। ये सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। और भाई ये चेक करें भाई, ये गरम गरम चिकन टिक्का लग रहा है। और ये जो है ना, ये जो आप चपली कबाब, बीफ चपली कबाब, ज़बरदस्त। ये भी आपको यहाँ पे खाने को पाक फूड पे मिलेगा। सो भाई, हम स्टार्ट करते हैं आज पाक फूड का फर्स्ट टाइम। पहले तो इनकी नान जो है अभी अभी गरम गरम आई है और बिल्कुल टूटने में सॉफ्ट नान। अच्छा, इन्होंने मुझे भाई ने बताया था, यहाँ पे जो ओनर है इनका, जो जो इनकी आप कह लें सिग्नेचर डिश, वो कहते हैं कुन्ना गोश, कुन्ना गोश। और ये बकरे का, बकरा मेरा भाई, हाँ आपको पता है गोश हो रहे हैं, बकरा जो वैसे फेवरेट है मेरा। लैम और बकरा अगर मिल जाए तो सबसे पहले जो है ट्राई करते हैं। अगर आपको ये दिखाता हूँ मैं बकरा और इसका गोश्त, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे क्या थोड़ा बहुत ये गोश्त में ना लैम का फ्लेवर दे रहा है, अब यहाँ पे मटन कहते हैं, बट वेरी गुड मटन जो है भाई मेरा फेवरेट। गला हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, और मतलब
और जब आप तोड़ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा, वैसे चल रहा है, वो अच्छी तरह पका हुआ सालन। उसके साथ जो आए ग्रेवी, थोड़ी सी नॉर्मली ये पतली ग्रेवी है, मे भी थोड़ा सा जो है ना उसमें थिक टेक्सचर होता है या फिर थिक होती है। इन्होंने यहाँ पे ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखी है लेकिन गोश जो है गरा हुआ है। उसके साथ इनके चने, चने जो है क्योंकि ये लोग अपना जो नाश्ता है वो बहुत प्रमोट करते हैं, तो ज़रा चने में ट्राई करते हैं इनको। यहाँ पे जो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हुआ है, लोग आए हुए हैं। हम लोग चने चने अच्छे मोरफा लाहौरी टच वाले, ये लोग क्योंकि पंजाब साइड से लाहौरी टच आ रहे हैं, अच्छा फ्लेवर हैं चने। और उसके साथ इन्होंने चपली कबाब, चपली कबाब देखने में थोड़ा सा डिफरेंट जो नॉर्मली होता है, उन्हें ट्राई करते हैं। फ्लेवरफुल है, लिटिल बिट ऑन द स्पाइसियर साइड, मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा स्पाइसी हूँ। ये चपली कबाब थोड़ा स्पाइसी साइड है, जो कि जितना स्पाइसी नहीं होता। और चीज़ें बहुत मज़े की, और चीज़ें जब मैं लाता हूँ वो भी आपको ट्राई करके बता। भाई अब आया है मेरे पास इनका बीफ कीमा, बीफ कीमा के साथ मैं हूँ इनके थोड़ा सा, और जो इनका कुन्ना गोश है वो भी लगाया ज़बरदस्त, मुझे मज़ा आया। दूसरी दफ़ा चीज़ बंदा इन जब भी लेता है जब उसको मज़ा आता है, लेकिन अगर इनका जो बीफ कीमा है वो ट्राई करते हैं। ठीक है, यह बीफ कीमा कीमा जो है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, जो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, अच्छा सा बारीक कटा हुआ, लेकिन उसमें बड़ा फ्लेवरफुल है, मज़े का फ्लेवर आ रहा है। उसके साथ इनकी मैं ट्राई करता हूँ भाई चिकन कढ़ाई, पाकिस्तानी खानों की अगर बात की जाए चिकन कढ़ाई वन ऑफ द मोस्ट, आप कह रहे हैं इसके बगैर जो है हम लोग कहीं जाते हैं, अगर यूजली आप आउटिंग पे जाएं किसी रेस्टोरेंट में तो ये मंगवाते हैं। इधर चिकन कढ़ाई आप जो क्लोज अप दिखा उसका, ये देखो बोटी जो है टूट रही है, और उसमें जो थोड़ा सा मसाला बहुत ज़्यादा बहुत ही मज़े की फ्लेवरफुल, थोड़ा सा हट के जायका। अच्छा ये वाइट कढ़ाई नहीं है, प्रॉपर चिकन कढ़ाई है, और इसका जो जायका बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत ही मीडियम लेवल जायका, लेकिन फ्लेवरफुल मज़े का। इसके साथ चिकन टिक्का, इसको ऐसे ही ट्राई करना। इसमें भी जो स्पाइस लेवल इन्होंने रखा हुआ है बहुत मीडियम, ऐसा कि सारे कुछ बच्चे अगर आप लोग आ रहे हैं बच्चों के साथ वो भी खा देंगे, तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें। एंड मैं थोड़ा सा इनका बिरयानी, बिरयानी का ये थोड़ा जो है लाहौर से हैं बिरयानी में, मे भी लाहौर का टच होगा, लेकिन वो कराची वाली जो बिरयानी के थोड़े से मसालों का डोमिनेंट फ्लेवर आ रहा है, मसाले थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं बिरयानी में, लेकिन ओवरऑल माशाल्लाह बहुत सी चीज़ें मेरी फेवरेट अभी सो फार। अगर मुझसे पूछें आप तो इनका कुन्ना गोश्त और इनकी कढ़ाई चिकन कढ़ाई दोनों बेहतरीन, और भी चीज़ें माशाल्लाह ज़बरदस्त है। मैं कंटिन्यू करता हूँ और जब डिज़र्ट्स पा रहा हूँ वो भी दिखाता हूँ। गॉट सम फ्रेंड्स हियर, सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ फहद एंड इट्स माय फर्स्ट टाइम कमिंग टू द रेस्टोरेंट। आई थिंक इट वाज प्रीटी ग्रेट। आई हैड द चिकन कढ़ाई, आई हैड द बिरयानी, आई हैड द चिकन टिक्का एंड आई हैड द चपली कबाब, दे वर ऑल रियली गुड। I think the spice level was really good too. He kept it pretty mild and I'd be sure to come back again, definitely. I'd recommend it and I'll bring family one time too. What would you like? Assalamualaikum, my name is Peso. I enjoyed the naan, the pulao and the chicken were the best. I like the atmosphere, it's very clean, very nice new restaurant. Anything you would like to say? Sure. Intikhab, this is really good chai. I tried two different chais here. It's really nice. Yes. I was actually most impressed with the friendliness of the staff. Sure. What was one thing that you really liked here? It's the chai. Chai? I don't know why. What about the food? Oh, the food? Yeah, I think they did a good job on the
on the karai chicken. I think they did a good job on the plow. The beef plow was pretty good. A lot of the stuff was traditional Pakistani, but there's a few highlights, and I think in the buffet they didn't show all of their features, but what they put out was pretty good. And also? My name is Adam. I would say the best things here is the chai and the naan. And the restaurant itself is pretty clean, looks pretty nice. Okay. Thank you. Yeah. Bhai, end mein aaye hain, jaisa main aapko dikhaya tha, gulab jamun rakhe hain. Gulab jamun, zara main ye dekhe. Ye isko zara half karta hu. Gulab jamun वैसे मेरे favorite हैं. लेकिन हर जगह, of course, इसका जो वो level होता है, sweetness level, उसमें तो मैं अपने हाथ गंदे नहीं करने चाह रहा, दूसरा चम्मच use करता हूँ. सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा स्वीटनेस साइड पे नहीं है, वेरी गुड. और जो ऐसा लग रहा है बिल्कुल फ्रेश वाली जो है ना, डेफिनेटली फीलिंग आ रही है. अभी जो है चाय मंगवाइए, चाय का मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन ये कि चाय जब आती है तो वो भी ट्राई करते हैं. लेकिन ओवरऑल एक और अच्छा एडिशन पाकिस्तानी खानों में यहाँ पर कैलगरी में. एक्चुअली चाय हमारी आ गई है, तो बीच में पहले चाय उठा लेते हैं, और जो है चाय पहले उठा लेते हैं. बहुत शुक्रिया. ये देखेंगे ज़बरदस्त कड़क चाय, दूध पर दिया. थैंक यू. अच्छा भाई, चाय भी साथ साथ आ गई है. अच्छा, चाय देखने में ही ज़बरदस्त कड़क दूध पत्ती चाय. ये देखें, ज़बरदस्त ये चाय है. और इसको चाय को गरम गरम चाय को देते हैं. इसमें जो है ना वो कार्डेमन का भी फ्लेवर आ रहा है, कार्डेमन का अच्छा फ्लेवर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग. और चाय ज़बरदस्त लग रही है. ओवरऑल ज़बरदस्त, माशाल्लाह, अच्छा एडिशन कैलगरी में. इनका जो एड्रेस है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैक्सन पोर्ट प्लाजा जो है उसमें मौजूद है. वीडियो अच्छी लगी आप लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा. आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें. और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लें. अनटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़.